खुरई स्थित श्री आदिनाथ प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर में निर्यापक मुनिश्री संभव सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के अवसर पर अविजित समूह शाखा खुरई द्वारा जैन प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 9 अक्टूबर को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के शिष्य मुनिश्री अजित सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं निर्यापक मुनिश्री संभव सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में शरद पूर्णिमा के अवसर पर खुरई स्थित प्राचीन श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर में अविजित समूह शाखा खुरई द्वारा जैन प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमे भक्तों ने अर्घ्य द्रव्य की थाल सजाकर मुनिश्री का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद अविजित समूह शाखा खुरई के सदस्यों द्वारा जैन समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अविजित समूह शाखा के पदाधिकारी ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। बहुत दिनों से इस समूह के द्वारा कुछ कार्य करने की प्रेरणाएं पूज्य मुनिश्री के द्वारा दी जा रही थी। इस वर्ष हम सभी को यह सौभाग्य मिला कि पूज्य संभव सागर जी महाराज का सत्संग का सानिध्य हम सभी को यहाँ पर मिला और हम सभी ने यहाँ पर पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में इस प्रतिभा सम्मान समारोह को आयोजित किया। पूर्णिमा के इस महान पावन पर्व पर और आचार्य श्री के अवतर दिवस पर अविजित समूह खुरई द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन सानंद संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में इस सम्मान समारोह में कक्षा 12वीं से 36 छात्र छात्राएँ एवं कक्षा 10वीं से 36 छात्र छात्राएँ जिन्होंने 85% से अधिक अंक प्राप्त किए थे उसमें सम्मिलित हुए। हमारा उद्देश्य है समाज के हमारे बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, उन प्रतिभाओं को अवसर मिले और वो अपने समाज एवं धर्म की प्रभावना में अग्रसर रहें। बहुत अच्छा आचार्य श्री की प्रेरणा और आशीर्वाद से आज हमारे समाज के बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, संस्कारों के साथ आगे बढ़ें और धर्म की प्रभावना करते रहें, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। खुरई के जैन मंदिर में आयोजित हुए जैन प्रतिभा सम्मान समारोह में स्थानीय जैन समाज के छात्र छात्राओं ने सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। जैन फोकस के लिए खुरई, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।